सबसे ज्यादा तालीम के बारे में बात की जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने जबरील अलैहि सलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक्दस में भेजा तो उनको तालीम दी गई, यानी कुरान पाक नाज़िल हुआ है, हज़रत जबरील अलैहि सलाम के वसातत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ। तो लिहाजा आपके उस्ताद मोहतरम जबरील अलैहि सलाम ये मकाम उस्ताद के लिए बहुत ऊंचा मकाम है कि वो आपके बच्चों को तालीम देते हैं। ये फरिश्तों के काम थे जो इंसानों ने संभाले हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे स्कूल से अच्छी तरबियत हासिल करके पाकिस्तान के होनहार इंसान और खूबसूरत जिंदगी गुजारने वाले लोग बनेंगे और कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। अमीर वाजिब है कि अल्लाह ताला मुसलमानों के ऊपर अपना रहम और करम फरमाए और इसी तरह अपने बच्चों को तालीम दिलवाते रहे ताकि वो खुश वखरम भी जिंदगी गुजार सके और आइंदा आने वाली नस्लों को भी अच्छी तरबियत दी जा सके। जब एक घर में पढ़ा लिखा इंसान होगा या औरत होगी या बच्ची होगी तो वो अपने बाकी बहन भाइयों को अच्छी तरबियत दे सके। लिहाजा एजुकेशन सबसे बेहतरीन चीज है। दुनिया के अंदर अगर कोई बेहतरीन कौम है तो वो तालीम से बनी है। तालीम के बगैर कभी कौम कामयाब नहीं होती। हमारे कायद मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पढ़ो यहाँ तक कि आपको चाइना जाना पड़े, जितनी दूर जाके भी आप तालीम हासिल करते हैं, जिस तरह आप अपने मुल्क के अंदर लोग डॉक्टर बनने के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो ये हमारे कायद का फरमान था जिस पर लोग अमल करके यहाँ तक जाते हैं कि अपनी तालीम को जारी रखें और बेहतरीन